हमें ये नियत करके पैसे जमा कर रहे थे थोड़े थोड़े करके, क्या कुर्बानी देंगे करके, मगर बीच में क्या होता है ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, जैसा बीमार हो जाती है वालिदा, उनको खर्च करना पड़ता है या बच्चों की तालीम के लिए पैसे देना पड़ता है। हमारी नियत थी कि हम कुर्बानी दी, मगर उसके बदल वो दे देते ना कि अभी गुनाह तो नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप इनका सवाल कुर्बानी से मुताल्लिक है। जी देखिए, कुर्बानी की तायिन करने के बाद फिर उसको किसी और चीज में नहीं लगा सकते। लेकिन कुर्बानी की तायिन कब होती है? जब आपने जानवर खरीद लिया, जानवर की तायिन कर दी कि इस जानवर को हमें ईद उल अजहा में कुर्बान करना है, तब इसको तायिन कहते हैं। अभी आपके पास पैसा है, आपने नियत बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह मैं कुर्बानी का जानवर खरीदूंगा या फिर उसको करूंगा, ये तायिन नहीं है। ये आपका जी इरादा है कि मैं जानवर खरीदूंगा और फिर उसकी तायिन करूंगा, तो अभी आपके ऊपर लाजिम नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते, ये एक बात। दूसरी बात ये कि जब आपने पहले से इरादा बनाया हुआ है, पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहा है ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। उसका मुसम्मम इरादा है, पक्की नीयत है कि वो ये इबादत करेगा। अब अगर उसको जरूरत पड़ जा रही है, तो पहली बात तो पैसा खर्च कर सकता है वो, क्योंकि अभी जी उसने कुर्बानी की तायिन नहीं की है उधिया की। दूसरी बात यह कि जो उसने नियत किया हुआ है इतने दिनों से और उसके लिए कोशिश भी कर रहा है, इंशाअल्लाह इस कोशिश पर उसे अज्र मिलेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर जी कोई मुसलमान किसी नेक काम करने का इरादा रखता है और किसी रुकावट की वजह से नहीं कर पाता है, इस्तेआत नहीं रख पाता है, तो उसे इंशाअल्लाह उस पर अज्र मिलेगा उसकी नीयत पर। एक हदीस है, सही हदीस है कि एक गरीब आदमी है और वो किसी अमीर को जी देखता है खर्च करते हुए, अल्लाह के राह में सदका करते हुए, तो गरीब आदमी ये ख्वाहिश करता है कि मेरे पास भी अगर ऐसे माल होता तो मैं भी अल्लाह के राह में ऐसे ही खर्च करता, उसको उसी के बराबर अजर मिलेगा। सही हदीस है ये। वो जो गरीब जी आदमी, देखिए उसने कुछ भी नहीं किया है, मतलब नीयत कितना अहम है और हमारा रब कितना करीम है, उसका फजल कितना वसी है कि वो उसने दिल के अंदर सिर्फ रगबत जो है पाली हुई है, नीयत पाली हुई है कि मेरे पास होता तो मैं भी ये नेक काम करता, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो उसको जी उसकी इस नियत पर उतना ही अजर मिलेगा जितना उस खर्च करने वाले को। तो अगर आप ये नियत करके पैसा जमा कर रही है, मैं इससे कुर्बानी करूंगी, लेकिन कोई इमरजेंसी आ जा रही है, वो पैसा खर्च हो जा रहा है और आप नहीं कर पा रही है, तो इंशाअल्लाह इस हदीस की बुनियाद पर आपको आपकी नियत का अजर मिलेगा। इंशाल्लाह।